और भाई क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कल मैं रात के 2:30 बजे के अराउंड पुणे से तो नहीं गोवा से मुंबई आ चुका था, क्योंकि पुणे में हॉल्ट लिया था तो ऐसा लग रहा है पुणे से आया था। बट एनी विच वेज, आज अगले दिन की सुबह हो चुकी है और आज है दिवाली का दिन। सो मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता ही है ब्लॉग जो है दिवाली के टाइम पे तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है, प्रोबेबली न्यू ईयर के बाद ही आएगा। बट उस साल की जो आने वाली दिवाली होगी तब उसके लिए मैं अभी से आपको ऑलरेडी विशेष दे देता हूँ मेरे एंड से। एनी विच वेज, अभी मैं जा रहा हूँ। मैंने जैसा कि कल आपको बताया था ब्लॉग में, मोटो ब्लॉग में, कि मेरे एक जो दोस्त एक्सीबल वो आज ले रहा है उसकी ड्यूक 390 एडवेंचर, तो उसकी हम डिलीवरी लेने जा रहे हैं। तो अभी फटाफट तो मैंने सामान भी अनपैक नहीं किया। ये तो वही वाली शर्ट है जो स्विमिंग पूल में मैंने पहनी थी। अपेरेंटली दिस इज़ दी ओनली क्लीन शर्ट अभी मेरे पास है, क्योंकि सारे कपड़े भी धोने पड़ेंगे, वो सब में तो बहुत ताम झाम होगा। तो फटाफट अभी यहाँ से शूज़ पहनते हैं और निकलते हैं, उनसे मिलना है। अभी करेंटली तो वो लोग नेहरूल में है, तो वहाँ पर एक जगह है उजाला करके जहाँ पर हम लोग यूजली बैठते हैं मिलते हैं, तो वहाँ पर जाके पहले उनसे मिलेंगे एंड फिर वहाँ से जाएंगे उसकी बाइक लेने के लिए। ओके, टाइम टू लीव। वैसे मुझे बाइक वॉश करवानी थी बट बाद में दोपहर को देखूंगा, आज दिवाली का दिन भी है तो आई डोंट थिंक ज़्यादा दुकानें या बाइक वॉश वाला चालू भी रहेगा। अगर रहेगी तो शाम को डेफिनेटली बाइक वॉश, चेन क्लीन, लूब सब करवा लेंगे। ये रहा अपनी जान, ये अभी इसको भी देखना पड़ेगा इसका क्या कर सकते हैं, कुछ तो जुगाड़ बिठा के है ना ठीक करवाना पड़ेगा। एनी विच वेज, अच्छा वो कट के गिर गया, बहुत गंदी हो गई है। ये भी देखो पूरा खुलने आ गया यार ये तो। ओके, गंदी तो बहुत हो गई है, नो डाउट। पूरे साउथ इंडिया की मिट्टी लगी है भाई। मतलब अपन ने इसको लास्ट आई थिंक पौंडीचेरी में मैंने वॉश किया था खुद से, फिर बाइक वॉश कहीं दिख ही नहीं रहते यार, दिख रहे थे तो टाइमिंग्स वर नॉट मैचिंग विद माय प्लान्स। तो देखे तो घूमना भी है, एक आध दिन के लिए रुके थे सिटी में, तो बाइक वॉश वॉज नॉट माय प्रायोरिटी। ऑब्वियसली चेन क्लीन ये सब तो मैं लूप में कर रहा था टाइम टू टाइम, बट जो वॉश करवाने वाला पार्ट था दैट आई डिडंट। अभी नॉट श्योर एक्चुअल प्लान क्या है, शायद से डायरेक्टली शोरूम पे मिल रहे हैं क्योंकि 12 बजे की डिलीवरी है और 11:40 हो चुका है, तो पहले वो उजाला वाला प्लान आई थिंक कैंसिल होने वाला है। तो मे बी बाइक लेने के बाद विल गो टू उजाला, बट अभी के लिए तो मैं दूसरे लोग को कॉल करके पूछ लूँगा कि क्या स्टेटस है। उनमें से एक का कॉल आया ही था कि उसको तो लगा कि इधर जा रहे हैं, नेहरूल में मिल रहे डायरेक्टली बाइक लेने के लिए, बट अभी अपेरेंटली नॉट श्योर क्या स्टेटस है। बहुत प्यारी लगती है ये बिल्डिंग, जितने बार देखता ना, खास करके शाम को व्हेन दे यू नो हैव सम लाइटिंग्स ऑन। आज तो दिवाली है तो आज डेफिनेटली कुछ तो खास होगा लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनी विच वे, सो प्लान ये हुआ है डिसाइड, अभी मैंने जस्ट दोस्तों से बात करी कि एलपी पे मिलेंगे नेहरूल के, एलपी पे भी नहीं एक्चुअली शोरूम पे मिल रहे हैं डायरेक्टली, और शोरूम तो मुझे पता नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई एलपी आ जा एंड फिर वहाँ से लोकेशन भेज देंगे उन लोग, उनका खुद का लाइव लोकेशन, क्योंकि अब मैप पे है नहीं है। जो सिबिल बोल रहा था मुझे कि मैप पे तो नहीं है वो, और ये साला पीछे पूरा सैडल लूज हुआ पड़ा है तो ठैक कट 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 हो रहा है, तो आई होप नट बोल्ट ना गिर जाए। मैं उसको रह रहे के हाथ से टाइट कर रहा हूँ, बट ठीक है। बाय द वे, इन लोग से तो वैसे भी मिल चुके हो, ये राहुल तू कभी ब्लॉग नहीं डालता। जो बुलेट पे था वो सिविल था और वो ही ले रहा है, ये रहा।
वर्किंग ऑन फाइनल डिटेल्स, बाकी मतलब एक बंदा नहीं आया अभी तक कैंप में, सुखनील उसी का वेट कर रहे। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये है भाई साहब जिन्होंने ली है इस ब्यूटी को, तो अभी जैसे ही हो जाता है सब यहाँ से निकलते आपको बताते हैं। अभी भाई निकले वहाँ से बाइक लेकर, चाय सुट्टा बार में आए, और ये रहा भाई, आज तो पार्टी होगी आज नहीं होगी बस बाद में होगी। ये क्या ऑर्डर कर रहे हैं भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस, जय महाराष्ट्र। तो अभी निकल रहे अपने अपने घर की ओर। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। अगले दिवाली में दिखेगा ये ब्लॉग। दोनों 390। तो भाई ग्रुप में अभी दो 390 हो गई है, एक ड्यूक 200 है, एक डोमिनार है और एक पल्सर है, NS 200 है। डोमिनार भी आई थिंक वो 250 वाली जो है वो वाली, 400 वाली नहीं है। अभी जा रहे हैं भाई के घर पर, बाकी लोग तो निकल लिए, सबको काम था दिवाली का देने करके, बट अपन वेले हैं तो इसको एस्कॉर्ट सर्विस दे रहे हैं टिल इस हाउस की पेट्रोल भरवाना है पहले, तो अभी पेट्रोल नहीं है उसकी गाड़ी में। ओके, सो पेट्रोल भरवा कर हम बाजू में मिरवांस था उसके घर के नीचे, तो वहाँ पे बैठ के कुछ खाने चले गए, बहुत भूख लग रही थी क्योंकि एंड थोड़ी बातें शाते की। अभी वैसे ऑलमोस्ट 2 बजने आ गया है। मैं सोच रहा था कि बाइक पहले वॉश करवा लूँगा और इसका भी काम करवा लूँगा, बट यार अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो देयर हैज़ बीन चेंज इन प्लान। थोड़ा वाइजर का वो नीचे कर लेते हैं, चश्मा वाला। तो देर हैज़ बीन सम चेंज इन प्लान। अभी मैं घर जाऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, प्रोबेबली वीडियोज़ और फोटोज शॉट करूंगा, स्टोरीज डालूंगा इतने दिनों की जो पेंडिंग है। स्टोरीज के हिसाब से तो मैं अभी भी भाई मुन्नार में ही बैठा हूँ। तो वो सब ठीक करने वाला हूँ, एंड शाम को वापस 10 बजे के बाद जब सबके घर की पूजा वूजा हो जाएगी दिवाली की, तो मिलने का प्लान है। अभी प्रोबेबली सब लोग टेस्ट राइड भी करेंगे नई ड्यूक 390 का, और मैं भी चला के देख लूँगा। वैसे मतलब एडवेंचर मैंने तो नहीं चलाई है, तो वो एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आप लोग के साथ भी शेयर कर दूंगा। अभी एनीवेज मैं घर की ओर बढ़ता हूँ, और यार ये शाम को 5-6 बजे मैं सोच रहा हूँ निकलता हूँ, बाइक वॉश भी करवा लूँगा और ये वेल्डिंग के लिए पूछ के लूँगा, जो मेरा सैडल का टूटा हुआ है उसकी वेल्डिंग भी करवा लेंगे, क्योंकि कब तक ऐसा झुलाते हुए इसको चलेंगे, नहीं तो अभी तो करेंटली जिप टाई से उसको बांध के रखा हुआ है। सो भाई रात के 10 बज गए, अभी जा रहे दोस्तों से मिलने, दिवाली की रात है एंड बस जाके मिलने वाले, थोड़ा NMMC के बाहर बैठेंगे, चल पाएंगे, और तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। बाय द वे मैं शाम को गया था बाइक का जो हमारा सैडल वाला पार्ट है, तो उसका मैंने बात कर लिया है दुकान वाले से, तो वेल्डिंग का कैसे क्या करना है, तो मैं कल अपनी बाइक वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा, प्रॉब्लम 2-3 घंटे का काम है, तो
तो वो उसको प्रॉपर पूरी तरह से वेल्ड कर देंगे। एंड जो पीछे एक रॉड रहता है वो मैं कल आपको वीडियो में दिखाता हूँ, तो उसका लोकेशन भी हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं, सो दैट जब भी बाइक 10 जन बैठते हैं ना और स्पीड बम उस पर आती है तो वो ठक करके पड़ता है नीचे टायर के एक मडगार्ड पे। सो वो सोच रहा हूँ कि वो भी थोड़ा साथ में ही हो, एक साथ चेंज करा दे, और अपना सैडल को भी कलर करवाने वाला हूँ। तो वो सब जो है मैं कल आपको बताऊँगा जब मैं करूँगा। अभी तो चलते हैं दोस्तों से मिलने के लिए। भाई आज ऑफिस से लॉग इन कर दिया, ऑफिस 20 दिन के बाद तो बहुत ज़्यादा काम है। वैसे मैंने बाइक वाले से बात कर रखी थी जो इसका वेल्डिंग करने वाला था, और ये जो रॉड है ना अपनी इसके नीचे से जा रही है, तो इसको वेल्ड यहाँ से निकाल के इसको मूव कर देंगे ऊपर, सो दैट ये इसमें अटकता रहता है, जितने बार जो बम्प्स में आता है ना तो ठक करके इसको पड़ता है। सो अभी वही जा रहा हूँ, फटाफट उसके यहाँ पर बाइक ड्रॉप कर दूँगा। उसको मैंने बोला कि भाई मेरे को घर छोड़ देना, फिर तो वापस से बाइक लेके चले जाना, क्योंकि अराउंड यहाँ से 15-20 मिनट का वॉक पड़ जाएगा नहीं तो, और अपना ब्रेक नहीं है। मैं फटाफट बोलते ना क्विक ब्रेक डाल के रखा हूँ वॉशरूम वाला, तो 15 मिनट में जाके आता हूँ और शाम को जैसे काम हो जाता तो आपको अपडेट करता हूँ कि कैसी दिख रही है अभी बाइक। सुबह शाम के 8 बज गए और अभी जस्ट सुधीर भाई जो गैराज वाले हैं मेरे, उन्होंने बाइक ड्रॉप करी है। बहुत अच्छे यार, वो घर पे भी बाइक ड्रॉप करके गए, लेके भी मेरे को भी छोड़ के गए थे। बाय द वे ये हमने जो करवाया था यहाँ पे वेल्ड टूट गया था वेल्डिंग, तो उसने प्रॉपर वेल्ड कर दिया है, तो अभी दिखने में पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। और ये जैसा कि आपने पहले देखा था कि ये नीचे था, तो इसको मूव करके इन लोगों ने ऊपर कर दिया है, सो दैट अभी अटकेगा नहीं यहाँ पे, तो ये इसके ऊपर आ गया। तो उसके वजह से वैसे भी ज़्यादा इसका कुछ काम नहीं होता है, बस ये सपोर्ट के लिए रहता है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है सैडल को। तो अभी आई होप इससे अभी मैं जब चलाऊंगा तो देखते हैं ज़्यादा आवाज़ करता है कि नहीं करता है, या फिर क्या इशूज आते हैं इसके बाद। अभी ऑल्सो मुझे बाइक वॉश करानी थी ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी थी, बट अभी ये पेंट किया है तो आज तो नहीं करा सकता क्योंकि पेंट अभी भी बहुत गीला है, कल मैं देखूंगा। उन्होंने बोला कि आज का रात छोड़ दो तो अपने आप कल रात भर सूख जाएगा, कल शाम को आप वॉश करा सकते हो, तो कल शाम को मैं वॉश करा दूंगा। बट अभी मैं थोड़ा टाइम है जब लॉग ऑफ कर दूंगा, अभी भी आधा पौना घंटे का काम बचा है, तो 9 बजे तक मैं लॉग ऑफ करता हूँ, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं शिवाजी पार्क चले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत खतरनाक लाइटिंग हुई है, मैंने जो भी फोटोज़ वीडियोज़ देखे हैं इंस्टाग्राम पे, तो सोच रहा हूँ मैं भी जाता हूँ, थोड़े फोटो वीटो खींचता हूँ वहाँ पे और आपको लेके चलता हूँ जैसे वहाँ के लिए निकलता हूँ मैं। तो भाई लॉग ऑफ कर दिया फाइनली ऑफिस से, एंड अभी दादर जा रहा था तो थोड़ा तैयार भी हो जाते हैं, और तैयार हो रहे हैं तो दिवाली भी मना के जाते हैं। बाय द वे मैं थोड़ी बहुत फुलझड़ियाँ लेके आ गया हूँ मेरे लिए खुद के लिए, एंड ये रहा मेरा सेटअप। तभी घर पे कोई है नहीं, अकेले रहते हैं, तो सोचा ऐसी फोटो वीडियो ले लेते और थोड़ी फुलझड़ी जाके एंजॉय करके मैं निकलता हूँ दादर की ओर। शिवाजी पार्क बेसिकली जाके देखता हूँ, बताओ अभी इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, अभी रियलिटी कैसी है वो जाके उधर ही पता चलेगी। ओके तो भाई फुलझड़ी तो जैसे मैंने बोला लेके आ गया था, और चकलियाँ भी थोड़ी लेके आया हूँ मैं, अभी पता नहीं यहाँ पे मैं बराबर बालकनी में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ट्राई करके देखता हूँ, अगर एक अच्छी जली तो बाकी जलाऊंगा, नहीं तो बाकी की जो भी है नीचे जाके करने वालों ऑब्वियसली नीचे पे रिकॉर्ड करने में थोड़ा डिफिकल्ट, एनी विच वेज तो इसको जलाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ेंगे। सो मेरी तरफ से आप सबको जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हैप्पी दिवाली। आई नो ये वीडियो दिवाली पे तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है, बट जो भी दिवाली के टाइम पे आप देखोगे तभी के लिए हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली आप सबको। तो जलाते हैं पहली एक चक्री, तो भाई वो चकली जलाई थी तो उसका नतीजा ये हुआ है, सब काला काला पड़ रहा है, तो वही सोच रहा हूँ नीचे चले जाता हूँ, क्योंकि लेके तो मैं आ गया हूँ पूरा बॉक्स, और वैसे भी पूरे बॉक्स ही मिल रहे थे, तो जाके नीचे पूरी खत्म करता हूँ और फिर निकलता हूँ। अगर पूरी नहीं जला पाऊंगा तो नीचे किसी बच्चों को दे भी दूंगा, तो वरना अगर यहाँ पे मैंने पूरी जलाई तो ये पूरा काला पड़ जाएगा व्हाइट से, और कल सुबह उठ के मुझे इसको धोना पड़ेगा रगड़ रगड़ के, जो कि मैं नहीं चाहता। तो चलो नीचे चलते हैं। तो
दोस्तों से पता चला कि दादर के इधर तो यार शिवाजी पार्क में बहुत भीड़ है, वहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। तो माटुंडा में ऑन द वे मेरे को एक सिमिलर टाइप का लोकेशन मिल गया, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ बना लिए, आई होप सब अच्छा है होंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 12 बज गए हैं, घर पहुँचते पहुँचते भी 1:15 हो जाएगा। तो मैं आपसे घर पर आके डायरेक्टली बात करता हूँ और देखते हैं कि उसकी वीडियोज़ अच्छा होंगे। बाय द वे ये प्लेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, सो आई होप, क्योंकि बहुत भीड़ है इधर भी यार, तो अज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छे आए होंगे। भाई अभी ना एकदम फट गई है मेरी बेकार वाली, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था ना वो मैंने इधर होल्डर पे लगाया था जब मैं निकला था, और चार्जिंग केबल उसके साथ ये वाला कनेक्टेड था। तो सीन ये हुआ कि अभी ऑब्वियसली मैं निकाल चलाते आ रहा था, मैप भी नहीं लगा था, बस गाने बज रहे थे। तो देवनार के बाद थोड़े खड्डे हैं रास्ते में, तो खड्डे की वजह से फ़ोन इधर से निकल गया, पूरी तरह से मैंने टाइट नहीं किया था, तो यहाँ से निकल के इधर ऐसा लटक रहा था बिकॉज ऑफ द केबल। तो भाई एकदम मतलब धक्का धक्का हो गया, फोन नीचे गिर गया, और मतलब 50-60 की स्पीड में तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कैच इट, तो फोन गिर गया। फटाफट मैंने बाइक यूटर्न ली, और बाय द टाइम मैं गया उस पर लेने के लिए, जस्ट उसके बाजू से एक एक्टिवा गई, मतलब पूछो मत, मजबूत वाला फटका पड़ जाता था। नसीब कुछ हुआ नहीं है फ़ोन को लकीली, अभी तो ऑब्वियसली अंधेरा है, मैं अच्छे से देख नहीं पाऊँगा, घर जाके मैं चेक करता हूँ उसको बताता हूँ, बट भाई एकदम लग गए थे। तो बस ये सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ, ये भी हुआ है करके अभी। सो भाई जैसा कि आपने देखा, फाइनली अपनी बाइक जो है वॉश हो गई है। मैं आया था संडे को और आज फ्राइडे हो रहा है। अब मानोगे नहीं, मैं 4 बार गया उस दुकान में, बट वहाँ पे बाइक वॉश नहीं हो रही थी, और उलपुरे जहाँ पे मैं रहता हूँ उलवे में किसी के और के पास पैडॉक स्टैंड नहीं है, और मेरे को पैडॉक स्टैंड चाहिए था क्योंकि चेन लूप ये सब भी करवाना था। तो मैं जब भी जा रहा था, तब कभी वो जल्दी बंद कर रहे, कभी दिवाली की वजह से बहुत भीड़ है, कुछ ना कुछ रीज़न हो ही रहा था। और आज भी मैं गया तो आज वो बंद ही करने वाले थे, बट मैं जैसे गया तो उन्होंने बोला भाई तू आ जा, तेरी तो बाइक आज वॉश कर ही देंगे क्योंकि तू कब से आ रहा है। तो उसी के साथ चलो ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।